लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। इतिहास के बारे में बात करें तो एक बार स्वर्गीय महंत नाग बाबा सेवागीर जी महाराज यहाँ तपस्या कर रहे थे, तभी भगवान हनुमान उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने सपने में आकर अपनी एक बड़ी मूर्ति यहाँ स्थापित करने की इच्छा व्यक्त की। इस सपने को देखने के बाद उन्होंने इस जगह पर हनुमान मंदिर का निर्माण करने का निर्णय लिया। ऐसे में मंदिर 1994 में बनना शुरू हुआ और लगभग 13 साल लग गए इसको बनने में। और दोस्तों, आज के समय में इस मंदिर को कला, इंजीनियरिंग और तकनीक का अद्भुत नमूना माना जाता है। इसमें जम्मू और कश्मीर में वैष्णो देवी की तर्ज पर एक गुफा है। इस गुफा में पिंडी नाम की एक पवित्र चट्टान और गंगा नदी के रूप में यहाँ पानी बहता रहता है। ये गुफा है जो कि नाम है हनुमान मंदिर करोल बाग के अंदर है, लेकिन थोड़ा सा अंधेरा है यहाँ पर। इस गुफा में थोड़ा अंधेरा है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक राक्षस के खुले मुंह जैसा चित्र दिखाई देता है। मूर्ति के चरणों के बगल में देवी काली को समर्पित एक मंदिर बना हुआ है और जो भी यहाँ हनुमान मंदिर आता है तो माता काली के दर्शन किए बगैर नहीं लौटता। और साथ में अगर आप देखेंगे तो एक शनि मंदिर भी है जिसकी बहुत ही ज़्यादा मान्यता है। दोस्तों, मंगलवार को इस मंदिर में भक्तों की सबसे ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है। हनुमान जयंती के दिन झंडेवालान हनुमान मंदिर दिल्ली का सबसे व्यस्त मंदिर माना जाता है। हनुमान जयंती ही नहीं बल्कि अन्य त्यौहार जैसे रामनवमी, शिवरात्रि, नवरात्रि और जन्माष्टमी भी इस मंदिर में भव्य तरीके से मनाए जाते हैं। गुरुवार और शनिवार को यहाँ भव्य आरती होती है। आरती के बीच में हनुमान जी की भुजाएं जो उनकी छाती पर अड़ी होती है पीछे की ओर जाने लगती है। शाम की आरती के दौरान बड़ी संख्या में भक्त हनुमान जी के इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए इकट्ठा होते हैं। इस दौरान 108 फुट की मूर्ति के हाथ छाती को खोलते हैं और भक्तों को भगवान राम और सीता की मूर्तियों की झलक देखने को मिलती है। इंडिया गेट और कुतुब मीनार की तरह अब भगवान हनुमान जी की विशाल प्रतिमा दिल्ली की पहचान बन गई है।
विक्की डोनर, बैंड बाजा बारात, पा और बजरंगी भाईजान जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में यह शॉट दिखाया गया है। दोस्तों, अगर मंदिर के एड्रेस की बात करें तो मंदिर करोलबाग में स्थित है। करोलबाग हनुमान मंदिर नई दिल्ली बिडनपुरा करोलबाग में स्थित है। मंदिर तक पहुंचने के लिए मेट्रो या अपने वाहन का उपयोग किया जा सकता है। यदि आप बस से यात्रा कर रहे हैं तो आप झंडेवाला बस स्टॉप पर उतर सकते हैं। बस स्टॉप से आप निजी टैक्सी या ऑटो रिक्शा करके मंदिर तक पहुंच सकते हैं। और यहां का नज़दीकी मेट्रो स्टेशन जो है वो है झंडेवाला मेट्रो स्टेशन, जो केवल 100 मीटर की दूरी पर स्थित है। आप ब्लू लाइन मेट्रो का उपयोग करके हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं। मंदिर में 108 फुट की ऊंची हनुमान जी की मूर्ति स्थित है, जो करोलबाग मेट्रो स्टेशन और झंडेवाला मेट्रो स्टेशन के बीच है। आप मेट्रो स्टेशन से मंदिर तक पैदल चल के जा सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। मिलता हूँ आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय सियाराम।